नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार एक का सवाल है इट सेज इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर हमें बताना है दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारे ऑप्शन है जीरो डिग्री सिक्सटी नाइन्टी या वन ट्वेंटी डिग्री ना वैक्टर्स का सवाल है सिंपल सवाल है इट सेज uh, हमारा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड अब हम इसको ए प्लस uh, इसको अगर हम एक्सपेंड करें हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सीटा इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू अच्छा है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट यहाँ पे लेके विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ये सारी चीज़ें मैग्नीट्यूड में राइट इफ दैट इज द केस दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सीटा विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर विल गेट कैंसल उसको अगर हम इधर ले आएँ सो इट विल बी टू अच्छा यहाँ बी बी आएगा टू ए बी कॉ सीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो नाउ ए और भी हम यहाँ पर सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि दे आर नॉन जीरो वैक्टर्स दे आर नॉट नल वैक्टर्स सो विच एम्प्लाइज कॉस सीटा माइनस वन विल टू जीरो विच एम्प्लाइज कॉस् सीटा इज इक्वल टू वन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस् सीटा विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री वैक्टर तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब इन दोनों वैक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो राइट सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जीरो डिग्री विल बी द करेक्ट चॉइस